बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा से निकाह का खूबसूरत वाक़या। एक मरतबा कबल अज़ बअसत मक्का की औरतों के दरमियान ईद में इख्तलाफ हो गया। रजब के महीने में इनकी ईद होती थी, मगर अब चूँकि तारीख का तयन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मक्का की मोअज़्ज़ज़ औरतें एक बुत के रूबरू बैठी फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी। इनमें हज़रत खदीजा भी थी। अचानक उनके रूबरू इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ और बुलंद आवाज़ से उनको मुखातब करके कहा, ए तीमा की औरतों, अनकरीब तुम्हारे शहर में एक नबी की बअसत होगी जिसका नाम अहमद है। अल्लाह अपनी रसालत के साथ उसे माबूस फरमाएगा, तो तुम में जो कोई उसकी अस्तात रखे उसकी ज़ौजा बन जाए और निकाह कर ले। ये सुनकर अक्सर ख़वातीन ने उसको कंकरियाँ मारी और बुरा भला कहा, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी इख्तियार की और नागवारी का इजहार ना किया। कहा जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने ग़ुलाम मैसरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बहुत कुछ सुन चुकी थी और आप चूँकि कुतुब आसमानी का मुताला भी रखती थी, जिसकी वजह से कि आपको पक्का यकीन था कि ऐसी बहुत सी निशानियाँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी आती हैं कि यही नबी आखिरुल ज़मां हैं। हज़रत खदीजा को दौरे जाहलियत में ताहिरा के नाम से पुकारा जाता था। आपका शुमार मक्का की शरीफ तरीन मोअज़्ज़ज़ और मालदार ख़वातीन में होता था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ ख़ानदानों के लोग उनसे शादी करने के लिए दिल में अरमान लिए बैठे थे। जैसे ही सरकारे दो आलम अपनी जवानी की उम्र में आए तो आपके चचा अबू तालिब की तवक्को आप पे बढ़ने लगी। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। काफ़ी अरसे से खुशक साली का दौर चल रहा है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि जिससे अपना काम चल सके, और ना ही हमारी कोई तजारत है। एक तजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की खातून खदीजा बिनत खुवैलद शाम की तरफ अपना सामान भेजा करती हैं। जो भी शख्स उनका सामान लेकर जाता है वो शख्स अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अगर आप उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो ज़रूर वो अपना माल आपको दे देंगी, क्योंकि आपकी ईमानदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। आपके चचा ने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि आप शाम की तरफ जाओ, क्योंकि यहूदी आपके दुश्मन हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। ये फरमाकर आपके चचा खामोश हो गए। तब सरकारे दो आलम ने फरमाया कि मुमकिन है कि वो खातून खुद ही किसी को हमारे पास भेजे। ये बात सरकारे दो आलम ने इसलिए कही क्योंकि उस वक्त मक्का में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। मक्का में आपसे ज़्यादा समझदार, काबिल एतमाद और समझदार, अच्छे अखलाक वाला आपके सिवा और कोई नहीं था। अबू तालिब ये सुनकर परेशान हुए और कहने लगे, अगर आप ना गए तो वो अपना मामला किसी और से तय कर लेंगी। लेकिन आपको यकीन था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी न किसी को भेजेंगी। सैयदा खदीजा ने किसी को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि मैंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी, मैंने आपके नेक अखलाक के बारे में सुना है, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पैगाम में बोला कि जो पैसे मैं लोगों को देती हूँ, अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको दुगने दूंगी। लिहाजा आपने हाँ कर दी। फिर आपने अपने चचा को बताया। आपके चचा बोले कि ये रोज़ी आपको अल्लाह ताला ने अता की है। इसके बाद सरकारे दो आलम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तजारत का सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम मैसरा आपके साथ था, मगर आपने जब अपना कारवान तजारत शाम की तरफ भेजा और अपना सामान तजारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया तो उनको पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। फिर मैसरा और ख़ज़ाइमा ने जो सफ़र के हालात व वाक़यात बयान किए, इससे आप समझ गईं कि ये तमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में जाग गई और यूँ आपके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का जज्बा बेदार हुआ। कारवाने तजारत की कामयाब वापसी के कुछ अरसे बाद आपने नफीसा बिनत मुनैया को, जो नहायत समझदार औरत थी, अपने दिल के हाल से आगाह किया और खुफिया तौर पर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि वो मालूम करे कि आप निकाह की तरफ माइल हैं भी या नहीं। चुनाचे नफीसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे निकाह से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने लगीं। कहने लगीं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ है जो आपको निकाह से रोकती है? फरमाया, मैं दुनियावी साजो सामान नहीं रखता। कहने लगीं, अगर कोई औरत ऐसी पैदा हो जाए जो साहिबे जमाल हो और माल वाफर रखती हो और हस्बो नसब में भी अशरफ हो और साथ ही वो निकाह के अखराजात वगैरह की कफ़ील भी हो, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फ़रमाएंगे? आपने दरियाफ़्त फरमाया, ऐसी कौन सी औरत है? कहने लगीं, खदीजा बिनत खुवैलद आपको बहुत चाहती हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो उसे शौक़ दिलाऊं और राज़ी करूं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नफीसा बिनत मुनैया वहाँ से उठी और सीधा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हाज़िर हो गई और कहा, मुबारक हो, वो भी आपको चाहते हैं, यानी इस रिश्ते से राज़ी हैं। उस पर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुईं और मुसरत का इजहार किया। यूँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ज़िक्र अपने चचाओं से किया। इनमें से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ गए। खुवैलद वल्द सैयदा खदीजा के पास गए और रिश्ता तलब किया। रोज़तुल अहबाब में है कि सही ये है कि उस वक्त सैयदा खदीजा के वालिद ज़िंदा ना थे, बल्कि वो आपके चचा उमर बिन असद के पास गए थे। अल्लाह बेहतर जानता है। चुनाचे ये मुबारक घड़ी तय कर दी गई। बारात का दिन आया तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। नफीस चादरें बिछाई गईं। नौकर चाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अकराम के लिए कतार दर कतार खड़े थे। चुनाचे जब बारात आई तो इसमें दुल्हा इमामुल अम्बिया अलमुरसलीन ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बरातियों में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू तालिब और आपके दिगर चचा और यारेगार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और दिगर लोग शहर शामिल थे। पहले निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था, हम्दो सना उस खुदाए बरतर की जिसने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माइल की नस्ल से गर्दाना और अपने घर का मुहाफ़िज़ व पेशवा बनाया और घर को हमारे लिए फरावानी बख्शी के अतराफ़ व जानब से इसकी ज़ियारत के लिए आएँ और हमें लोगों पर हाकम बनाया। हद अलाही के बाद यकीनन मेरा ये भतीजा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जवान है कि कोई कुरैशी मर्द इसके हम पल्ला नहीं। ये सब पर बारी है, इसे तरजीह हासिल होती है। अगरचे इसके पास माल कम है, लेकिन माल तो ज़ायल होने वाली चीज़ है और फ़ानी है, और ये उन लोगों में से है जिसे तुम जानते हो। उन्होंने, यानी मेरे इस भतीजे ने, खदीजा बिनत खुवैलद को निकाह का पैगाम दिया और मेरे माल से एक मकदार बतौर महर दिया, जिसमें नकद भी है और उधार भी। अल्लाह ताला की कसम, इसके बाद मेरे इस भतीजे के लिए बहुत बड़ी ख़बर और अजीम मामला है। जब हज़रत अबू तालिब ने खुतबा मुकम्मल किया तो वरक़ा बिन नौफल और उमर बिन असद ने भी खुतबे पढ़े। इस अक़द मुबारक की तामील के बाद हज़रत अबू तालिब ने वलीमे के लिए ऊँट ज़िबा किया और कुरैश की शानदार दावत की। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी लौंडियों को हुक्म दिया कि दफ़ बजा कर रक़्स मसरत का इजहार करें। चुनाचे उस पर मसरत और तकरीब का अख्तिताम हुआ तो तमाम मेहमान अपने घरों को रवाना हुए। उसी रोज़ ज़फ़ाफ वाक़या हुआ। इसके बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल दिए और अपनी तमाम मिल्क हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी। प्यारे आका सरकारे दो आलम इस शादी से बहुत खुश हुए और जनाब अबू तालिब ने अपनी मसरत का इजहार इन अल्फाज में किया। सब खूबियाँ उस ज़ात के लिए जिसने हमसे मुसीबतें दूर फरमाईं और हमसे गमों को उठाया। नाज़रीन, बेशक उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बुलंद व मकाम व मर्तबा की सिर्फ एक ही वजह थी कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के लिए पसंद किया गया। आपकी इज़्ज़त व अज़मत का अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से बाखूबी लगा सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर औरतों में मरियम और खदीजा हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म खुदा आपको जन्नत की बशारत दी थी। ये शादी हर एतबार से एक मिसाली रिश्ता साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में मसरतों और नेकियों का इजाफा होता चला गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस खुशगवार शादी के बाद 25 बरस जिंदा रहीं। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा मसरत, सकून, तहारत और तवाज़न की नेमतों से लबरेज रहा। आप नबूवत के 10वें साल 65 बरस की उम्र में रहलत फरमा गईं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजवाल थी। खदीजा के इंतकाल के बाद भी वो इन्हें इसी मोहब्बत और एहतराम से याद किया करते थे। उनकी वफ़ात के काफ़ी अरसे बाद एक बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सपासे अकीदत पेश करते हुए फरमाया, वो एक मिसाली बीवी थीं। उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब सारा अरब काफिर था। उन्होंने अपनी सारी दौलत मुझ पर यानी मेरे मिशन पर निछावर कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अज़ीज़ व क़रीब से भी हमेशा कमाल हुस्न व सलूक से पेश आते थे। चुनाचे उनकी वफ़ात के बाद जब भी उनके रिश्तेदार या सहेलियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इंतहाई एहतराम और शफकत से पेश आते। दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मरकद पर अनवार पर करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाए और उनके ज़िक्र खैर को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।